और आप लोगों से खास निवेदन करता हूं कि जो लोग पप्पू यादव जैसे लोगों का विरोध करे ना, उनके घर पे जाके जूता उतार कर मारिए। बोलिए वाले गलत क्या किए। अबे अबे तुम लोग क्या कर सकते हो, सिर्फ गरिया सकते हो ना। सो गरियाओ, तुम्हारे गरियाने से अगर लगता है कि हम आवाज उठाना छोड़ देंगे, सच बोलना छोड़ देंगे, तो तुम्हारी गलत फहमी है अंधभक्तो। अरे मैं उन भड़ों से पूछना चाहता हूँ, क्या पप्पू यादव गलत है? क्या कसूर था भाई पप्पू यादव जी का? क्या कसूर था पप्पू यादव जी का? यही कि उन्होंने भाजपा नेता के घर छुपाई हुई एम्बुलेंस का पर्दाफाश किया था। अरे सच ही तो किया था, क्या गलत किया था? आप लोग ऐसे काम करोगे तो पप्पू यादव जैसे हजार लोग आप लोगों का पर्दाफाश करेंगे। क्यों अपनी नाकामियों से छुप रहे हैं? तुम लोगों को क्या बताया, तुम लोगों को मैं बहुत ज्यादा गरियाना चाहता हूँ। इतना मन में मेरे अंदर गाली बसी है ना तुम लोगों के लिए, मैं अपनी जबान खराब नहीं करना चाहता। बे तुम लोग ना लतियाने लायक हो, सही बताए। तुम लोग को जितना लतियाया जाए ना उतने कम है। तुम लोग मार खाते हो, अभी बंगाल में कुटाई हो रही है ना, बहुत अच्छी बात है, अभी तुम लोग और पेले जाओगे। और मैं सभी भाइयों से निवेदन करता हूं कि बिहार के शेर पप्पू यादव के लिए आप लोग आवाज उठाइए, क्योंकि वही एक शेर है बिहार में जो इस समय दहाड़ रहा है। अरे मैं उस भाजपा नेता जो रड्डी फड्डी तट्टी जो भी है बड़ी वाले से कहना चाहता हूँ, गरीबों की हाय ले रहे हो बेटा। अब बिहार के पप्पू यादव शेर, बिहार के पप्पू यादव का मैं समर्थन करता हूँ। उनके साथ ये ब्राह्मण लाबी भी जुड़ा हुआ है। अब मैं राष्ट्रीय पार्टी खुला ऐलान करता हूँ, अगर पप्पू यादव को आप लोगों ने पूरी तरीके से अगर परेशान करने की कोशिश की और उन्हें बाहर नहीं किया, तो याद रखिएगा हम सब बिहार में आकर आंदोलन करेंगे और आप हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं। ये सोचते हो कि ये लड़ाई ना लड़े, अरे भड़ो सुधर जाओ, सुधर जाओ नहीं भोली के गुजर जाओ। आप एक पप्पू यादव को तो बंद कर सकते हैं, लेकिन जो पप्पू यादव जैसे हजार लाखों पप्पू यादव पैदा हो रहे हैं, उनके आवाज को कब दबाएंगे आप? नमस्कार दोस्तों, मैं राज त्रिपाठी जिला जौनपुर से। लगातार मेरी आईडी बंद हो रही है। अभी 3 आईडी मेरी बंद हो चुकी है, मैं 4th आईडी से आप लोगों के माध्यम से रूबरू हो रहा हूँ। और ये न जाने भक्तों के गांव पता नहीं क्यों मिर्ची लग रही है हम ही से कि मेरी बातें इन तक हजम नहीं हो रही है। साथियों मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज बात करूँगा उन वालों की जिनको हमारी आवाज़ पसंद नहीं आती है। यहाँ हम लोग बोलते हैं तो यहाँ ये लोग आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं। यही नहीं, इनकी सरकार जो सत्ता में इस समय दलाल बैठे हैं, इनके दलालों को भी हमारी बात पसंद नहीं आती है, सच का आवाज़ उठाना पसंद नहीं आता है। अभी बिहार में शेरे बिहार गरीबों के मसीहा पप्पू यादव जी गिरफ्तार हो गए हैं। किस मामले में? मात्र कोरोना उल्लंघन के मामले में। अब इन भड़ों को कौन बताए कि इनके सत्ता के जो नेता आका बैठे हैं, गुरु जो इनके आका बैठे हैं, ये लॉकडाउन में, ये कोरोना महामारी में अगर ये रैली करते हैं तो भीड़ भाड़ इनके साथ अगर होता है तो इनके ऊपर कोई भी कोरोना महामारी एक्ट के नियम के तहत कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं होता है। और वहीं बिहार के गरीबों के मसीहा जो गरीबों के लिए लगातार प्रयत्न कर रहे हैं, जो गरीबों के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, ऐसे मसीहा को ये लोग आवाज़ दबाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहां तक कि इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कसूर था भाई पप्पू यादव जी का? क्या कसूर था पप्पू यादव जी का? यही कि उन्होंने भाजपा नेता के घर छुपाई हुई एम्बुलेंस का पर्दाफाश किया था। अरे सच ही तो किया था, क्या गलत किया था? आप लोग ऐसे काम करोगे तो पप्पू यादव जैसे हजार लोग आप लोगों का पर्दाफाश करेंगे। क्यों अपनी नाकामियों से छुप रहे हैं? क्यों अपनी नाकामियों को नहीं दिखाना चाह रहे हैं? अरे मैं सत्ता के दलालों में बैठे नेताओं से पूछना चाहता हूं कि अगर गरीबों के हित में वाकई आप लोग सोचते तो इस तरह का कृत्य आप लोग कदापि नहीं करते। लेकिन शर्म आती है तुम लोगों के ऊपर, थूकता हूं मैं। आज जिस तरीके से पप्पू यादव को डिटेन कर दिया गया है, आप एक पप्पू यादव को तो बंद कर सकते हैं, लेकिन जो पप्पू यादव जैसे हजार लाखों पप्पू यादव पैदा हो रहे हैं, उनके आवाज को कब दबाएंगे आप? कब तक दबा सकते हैं आप? आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सच बताएं तो आप पुलिस के बल पे सिर्फ गुंडागर्दी कर सकते हैं, दहशतगर्दी कर सकते हैं, आप यही कर सकते हैं, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अरे मैं उन भड़ों से पूछना चाहता हूं, क्या पप्पू यादव गलत है? पप्पू यादव को गलत लोग बोल रहे हैं? अरे मैं तमाम अंधभक्तों से भी बोल देना चाहता हूं,
पालो तुम्हारे लिए हो, तुम्हारे लिए, तुम्हारे इलाज के लिए, तुम्हारे सुख के लिए, तुम्हारे भविष्य के लिए पप्पू यादव बिहार में लड़ रहा था और लड़ रहा है। लेकिन तुम्हारी जो सोच है ये सोचते हो कि ये लड़ाई ना लड़े। अरे सुधर जाओ, सुधर जाओ, नहीं भोसड़ी के गुजर जाओ। सही बताएं तो मुझे शर्म आती अपने देश के उन दलालों के ऊपर जो ऐसे सत्ता हाथ में पहुंच गई है, जो सच और गलत का फैसला भी नहीं जान पा रहे हैं। शर्म आती है मुझे तुम जैसे दलालों के ऊपर जो पप्पू यादव का विरोध कर रहे हो। लॉकडाउन के वक्त मैंने देखा था पप्पू यादव पैसा बांट रहा था, खाना बांट रहा था गरीबों के लिए, यहां तक कि दिल्ली तक ले जाकर अपनी गाड़ियों से उस व्यक्ति को अपने घर तक पहुंचा रहा था जो व्यक्ति लॉकडाउन के वक्त अपने घर नहीं जा पा रहा था। लेकिन बहुत वाले तुम लोग कहां समझोगे, तुम लोग तो सत्ता में बैठे चूर मोदी 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 कर रहे हो। अरे शर्म आती है ये हम जो अबे तुम लोग क्या कर सकते हो, सिर्फ गरिया सकते हो ना। सो गरियाओ, तुम्हारे गरियाने से अगर लगता है कि हम आवाज उठाना छोड़ देंगे, सच बोलना छोड़ देंगे, तो तुम्हारी गलत फहमी है अंधभक्तो, तुम्हारी गलत फहमी है। मैं सत्ता के दलालों से भी कह देना चाहता हूं कि ये जो गलत फहमी में आप जी रहे हैं ये छोड़ दीजिए। हम लोग आवाज उठाते थे, आवाज उठाते हैं और आवाज उठाते रहेंगे, तुम्हारे गुलाम नहीं है। देश के हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ रहे हैं, अगर उस देश के हालात को जनता के सामने ला रहे हैं लोग तो आपको बड़ी मिर्ची लग रही है। बस तुम लोग ना लतियाने लायक हो, सही बताएं, तुम लोग को जितना लतियाया जाए ना उतने कम है। तुम लोग मार खाते हो, अभी बंगाल में कुटाई हो रही है ना, बहुत अच्छी बात है, अभी तुम लोग और पेले जाओगे। तुम लोग साले इतना अत्मचा चुके हो ना कि तुम लोग तो सच बताएं सरकार जाने दो, सरकार के ऊपर घमंड कर रहे हो ना, मोदी योगी क्या कर लेंगे मोदी योगी। अरे ज्यादा से ज्यादा मुकदमा करवा सकते हो, जेल भेज सकते हो, फांसी नहीं चढ़ा दोगे, मार नहीं डालोगे तुम। और जब तक शरीर में जान रहेगा, जब तक दम रहेगा, तब तक तुम्हारे खिलाफ हम जुल्मों अत्याचार के खिलाफ संघर्ष का ऐलान करते रहेंगे। तुम समझते क्या हो अपने आप को। और मैं सभी भाइयों से निवेदन करता हूं कि बिहार के शेर पप्पू यादव के लिए आप लोग आवाज उठाइए, क्योंकि वही एक शेर है बिहार में जो इस समय दहाड़ रहा है, और कुत्तों की झुंड उस दहाड़ से घबरा रही है। और उस घबराने के साथ जो कुत्तों की झुंड होती है ना, वो कुत्तों की झुंड उस शेर पे हमला करना चाह रही है। लेकिन ये जान ले, शेर इन कुत्तों से डरने वाला बिल्कुल नहीं है। लॉकडाउन में, महामारी में उल्लंघन की बात करते हैं बिहार की सरकार। अरे मैं उस भाजपा नेता जो रड्डी फड्डी तट्टी जो भी है भोपड़ी वाले से कहना चाहता हूं, गरीबों की हाय ले रहे हो बेटा, ये गरीबों की हाय तुम्हें बिल्कुल बर्बाद कर देगी, बहुत ज्यादा बर्बाद कर देगी। खाने खाने को तरस जाओगे। जनता है जिस तरीके से तुम्हें सत्ता पे बैठाया ना कुर्सी पे, उस तरीके से कुर्सी पर उठाकर फेंक भी सकती है या अंदाजा नहीं लगा सकते हो। साथियों मैं निवेदन करता हूं, और सबसे बड़ी बात, आप तो पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिए, लेकिन जो भोपड़ी के जो रुड्डी रड्डी जो भी राजीव प्रताप है, जो भी है नाम उसका मैं लेना नहीं चाहता हूं, उसने जो 25 एम्बुलेंस छुपाए थे कहीं का भोस, उस छोटे को कब गिरफ्तार कर रहे हो मोदी जी, उस छोटे को कब गिरफ्तार कर रहे हैं नीतीश सरकार, बताएं हमको। उसने भी अपराध किया है, अगर आप उसके अपराधों पर पर्दा डाल रहे हैं तो याद रखिएगा ये सत्ता ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। इस सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग पूर्ण तरफ से तैयार हैं, समझ जाइए वक्त है। अब बिहार के पप्पू यादव शेरे बिहार के पप्पू यादव का मैं समर्थन करता हूं, उनके साथ ये ब्राह्मण लाबी भी जुड़ा हुआ है। अब मैं राष्ट्रीय पार्टी खुला ऐलान करता हूं, अगर पप्पू यादव को आप लोगों ने पूरी तरीके से अगर परेशान करने की कोशिश की और उन्हें बाहर नहीं किया तो याद रखिएगा हम सब बिहार में आकर आंदोलन करेंगे और आप हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं। ये गुस्सा है ना सड़कों पे अब दिखेगा, अब सोशल मीडिया पे नहीं दिखेगा, सड़कों पे दिखेगा। आप लोग नेतागिरी करके देश को बर्बाद कर दिए हैं। अरे शर्म के डूब मरो यार, शर्म के डूब मर जाना चाहिए। अभी भी सही गलत का मर रहे हो ऑक्सीजन के बिना, लेकिन ऑक्सीजन उपलब्ध कराने वाले को लगातार तुम लोग विरोध कर रहे हो, लगातार कोस रहे हो। ऐसा ना हो तुम्हारे मरने के बाद भी
और जब तुम्हारे परिवार को ऑक्सीजन की कमी पड़ेगी तब तुम्हारे परिवार को कोई ऑक्सीजन देने के लिए नहीं आएगा। समझ सड़ी वालों, अभी भी वक्त है। मैं तुम लोगों को क्या बताया, तुम लोग को मैं बहुत ज्यादा गरियाना चाहता हूँ। इतना मन में मेरे अंदर गाली बसी है ना तुम लोगों के लिए, मैं अपनी जबान खराब नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी ये जब भड़ास है ना तुम लोगों के लिए, जो तुम लोग ये कृत्य कर रहे हो ना, इस कृत्य पे हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। सामने मिल जाओ साले जूता उतार के मारेंगे। सही बताएं, तुम लोग जूता के लायक हो, जुतियाने के लायक हो। सभी साथियों से निवेदन करूंगा, मेरी आईडी बार बार ब्लॉक कर देते हैं ये अंधभक्त। फेसबुक भी बंद कर देता है, लेकिन याद रख के मैं हजारों आईडी बनाकर आप लोगों के साथ सच के लिए आवाज उठाता रहूंगा। और आप लोगों से खास निवेदन करता हूं कि जो लोग पप्पू यादव जैसे लोगों का विरोध करे ना, उनके घर पे जाके जूता उतार कर मारिए। बोलिए वाले गलत क्या किए, सही बता रहे हैं, उनको जूता उतार कर मारिए। अत कर चुके हैं ये लोग, ये बहुत ज्यादा अत कर चुके हैं। अभी भी समय है, सुधर जाओ नहीं तो गुजर जाओ।